हॉब वर्सेस कुकटॉप, जो भी अपना नया किचन बनाने वाला होता है या फिर रेनोवेट करने वाला होता है तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में जरूर होता है, इन दोनों में से मैं कौन सा यूज करूं एज अपने कुकिंग स्टोव के लिए। तो मेरा आंसर आपको अगर जानना है कि एग्जैक्टली क्या यूज करना चाहिए तो इस वीडियो को तुरंत तक देखते रहिए। सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए हॉब या कुकटॉप के लिए वो है कुकिंग टाइम। और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि जो आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे हॉब में हो सकता है कि कुकिंग टाइम ज्यादा होगा और कुकटॉप में कुकिंग टाइम कम होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों में इक्वली कुकिंग टाइम होता है। बस आपको छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है, हॉब लेते वक्त आपको यूरोपियन जो हॉब्स आते हैं, यूरोपियन बर्नर्स होते हैं, वो नहीं लेने हैं। कुकटॉप में तो यूरोपियन नहीं आते, बट हॉब में यूरोपियन मॉडल आते हैं, जो ऐसे कुछ दिखते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुकिंग टाइम को बढ़ा देता है। विदेशी लोग बनाते हैं आराम से उबला हुआ खाना, उनको धीरे धीरे कुक करना होता है, कोई हड़बड़ी नहीं रहती, बट इंडियंस को इतने सारे लोगों को खिलाना होता है और इतना हैवी कुकिंग होती है कि हमारे को ब्रास स्टॉव, जो ब्रास कुक बर्नर होते हैं, वही लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो हॉब ले या फिर कुकटॉप, दोनों में ही आप ब्रास बर्नर जरूर लें। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी हैवी कुकिंग है, उसी के हिसाब से आप बर्नर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि उसमें आते हैं आपके स्मॉल बर्नर, मीडियम बर्नर और जंबो बर्नर। अगर आप तीन बर्नर्स वाला अगर आप टॉप ले रहे हैं तो आपके एक स्मॉल, एक मीडियम, एक बिग जंबो बर्नर इज परफेक्ट। अगर आप चार बर्नर वाला सोच रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है एक स्मॉल, दो मीडियम, एक जंबो। बट आपका मेजरली ये जंबो और ये सब यूज क्यों होता है, जंबो बर्नर अगर आप बड़े लोगों, ज्यादा लोगों के लिए एक साथ खाना बनाते हैं तो आपको जंबो बर्नर यूज आता है ज्यादा बड़ी कढ़ाई रखने और वो सारी चीज के लिए। मीडियम बर्नर जैसे आप दाल पका रहे हैं, कुकर रख रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं तो मीडियम आएगा। और चाय वगैरह बना रहे हैं जिसको धीरे धीरे बनाना है, मस्त अच्छे से समय देखे, तो उसके लिए आपका छोटा बर्नर काम आता है गर्म करने के लिए चीजों को। तो ऐसे आप अपना यूसेज समझें, और हॉब और कुकटॉप में दोनों में ही आप ये तीनों ऑप्शंस मिलते हैं, मीडियम, स्मॉल, मीडियम और जंबो बर्नर का, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करें। तो अगर कुकिंग टाइम की बेसिस में सेलेक्ट करें तो हॉब को भी हम एक पॉइंट देते हैं और कुकटॉप को भी हम एक पॉइंट देते हैं। दूसरी बात है डेली मेंटेनेंस। हम इंडियंस हैं और कई कबार क्या होता है, हम इतनी सारी चीजें कर रहे होते हैं कुकिंग करते वक्त कि ध्यान नहीं रहता, जैसे दूध उफन के गिर जाता है, चाय उफन के गिर जाती है और काउंटर मच जाता है, और स्पेशली अगर पति बना रहे हो तो 110% ये होगा। तो क्या होता है हॉब के ऐसे केस में, क्योंकि उसको काउंटर टॉप कट करके लगाया जाता है तो कई कबार जो दूध उफनता है, पानी उफनता है, चाय उफनता है, वो उस एजेस में जाके फंस जाता है और उसको साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कुकटॉप के केस में ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप उठा के साफ कर सकते हो, बहुत इजी टू क्लीन एंड मेंटेन होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि आपसे ये गलतियां होती रहती है और हॉब को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे रेगुलर टर्म्स में, तो आपको हॉब नहीं लेना चाहिए, आपको एक कुकटॉप ही लेना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखें, हम भारतीय लोग हैं, हमारी कुकिंग हार्श होती है, तो उसी के हिसाब से डिसीजन लें। बट अगर आपको लगता है कि आप मेंटेन कर सकते हैं, आपके यहाँ मेड सर्विस है, अगर कुछ हो भी जाता है गंदा तो क्लीन कर लेंगे, तो हॉब आप ले सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट के बेसिस में अगर अपन देखें जो कि है डेली मेंटेनेंस, तो मैं कुकटॉप को एक पॉइंट दूंगा और हॉब को दूंगा 0 पॉइंट, क्योंकि मेंटेनेंस थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तीसरा पॉइंट है आपका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब है जब आपको वो कुकटॉप को लगाना होता है काउंटर में। तो जैसे कि बहुत लोगों को ये ऑलरेडी जानते हैं कि हॉब बहुत प्रीमियम दिखता है क्योंकि वो कट के सीमलेस काउंटर के लेवल पे ही लगता है। बट आपको ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि वो सीमलेस लगता है तो उसके लिए कटिंग लगती है, उस कटिंग को करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर लगता है, और इंडिया में स्किल्ड लेबर हम दोनों ही जानते हैं कि कितना मुश्किल है पाना। तो इसलिए हॉब को इंस्टॉल करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कुकटॉप को इंस्टॉल करने के लिए। उसके साथ एक मैनुअल आती है इंस्टॉल कटिंग करने के लिए, उसको बैठालने के लिए, उसी को फॉलो करके आपको इंस्टॉल करना चाहिए। और अगर आप फुल बॉडी टाइल्स लगा रहे हैं और उस पर हॉब लगा रहे हैं तो फुल बॉडी टाइल्स को और स्पेशली ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। इसलिए हॉब को इंस्टॉल करने के लिए मैं बोलूंगा इंस्टॉलेशन में हमें डिफिकल्टी होती है, और कुकटॉप को क्या है, बस उठा के वहां पे रख देना है। और आज के टाइम में स्लीकर कुकटॉप भी आ रहे हैं, तो कंसीडर दैट एज वेल। सो मेरा सजेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन की, अगर आपके लिए हैसल है, आप छोटे विलेज में हैं या फिर आप एक छोटे टाउन में हैं जहां पे आपको एक्सपर्ट पर्सन नहीं मिल सकता जो काउंटर को उतने अच्छे से कट करके आपके हॉब को बैठा पाए, तो आपको हॉब में नहीं जाना चाहिए, आपको सिंपल से कुकटॉप में जाना चाहिए। और इवेंचुअली भी अगर आपको सर्विस लगती है हॉब के लिए और छोटे टाउन में है, तो वो पूरा हॉब आपका जाएगा, सर्विस सेंटर मेंटेन होके आएगा, एंड फ्यूचर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंस्टॉलेशन के बेसिस में भी मैं कुकटॉप को दूंगा
दूंगा 1 पॉइंट और हॉप को दूंगा 0 पॉइंट. आई एम सॉरी हॉप, बट 0 फॉर यू. चौथा पॉइंट है अपग्रेडेशन. अगर आज आप मान लो छोटी फैमिली हो और 3 बर्नर का अपना स्टोव लेना चाहते हो, तो आप कुकटॉप लो या हॉब लो, दोनों कोई मैटर नहीं करता. बट आप सोचो जैसे फैमिली बड़ी होगी, अगर आप पैसा प्लानिंग कर रहे हैं और फ्यूचर में आप चाहते हो 4 बर्नर का आपको कुकटॉप या स्टोव लेना है, तो कुकटॉप में वो बहुत आसान है अपग्रेड करना. ये वाले को बेचा, दूसरा वाला लाके लगा लिया. बट हॉब में क्या होता है, क्योंकि कटिंग होती है, अगेन अपन एक ऐसी कटिंग करते हैं, तो अब फ्यूचर में अगर आप हॉब का मॉडल चेंज कर रहे हैं, कटिंग रीडू कर रहे हैं, तो आपको अपने काउंटर टॉप को फिर से कटिंग करके एडजस्ट करना पड़ता है. और बहुत सारी बार ऐसा होता है मॉडल चेंज करने से वो कटिंग पूरी चेंज करनी पड़ती है. और कई केस में अगर आपको अपग्रेड करना है तो काउंटर टॉप को ही पूरा चेंज करना होता है. तो अपग्रेडेशन हॉब के केस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप एस्थेटिक पर्पज से हॉब लेना चाह भी रहे हैं, तो जो टॉप मॉडल हो या फिर जो आपके मैक्सिमम बर्नर आप आने वाले 10 साल में यूज करने वाले हैं, जैसे 4 बर्नर हो गए, इवन 5 बर्नर अगर आपको लगता है कि मेरे को लगेगा, तो वो टॉप मॉडल को ही जब मैक्सिमम बर्नर्स आप ले आज ही, क्योंकि बार बार कटिंग और चेंजिंग आप हॉब में नहीं कर सकते हैं, कुकटॉप में कर सकते हैं. इसलिए अगेन अपग्रेडेशन वाले पॉइंट में भी मैं कुकटॉप को दूंगा 1 और हॉब को दूंगा 0. 5वां पॉइंट है आपका कॉस्टिंग. अब एकदम बहुत सी सबको मालूम है ये चीज़ कि हॉब जो होता है, आपके कुकटॉप जो आते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है. अगर आपको एक अच्छा कुकटॉप जो कुक बर्नर्स है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में मिलेंगे, तो कुकटॉप जो आपको हॉब रहेंगे वो 20 से लेकर 30 हज़ार और इवन 50 हज़ार तक के भी हॉब्स मिलते हैं मार्केट में. तो जो कॉस्टिंग का जो फर्क होता है वो 2x तक आ सकता है सेम आपके कुकटॉप से हॉब में. तो अगर आपका बजटेड आप किचन सोच रहे हैं या फिर आप बहुत एक्सपेंसिव साइड नहीं जा रहे अपने किचन में, तो हॉब के साइड मत देखिए. अगर आप लग्जरी एंड में जा रहे हैं तभी आप हॉब के साइड अपने ऑप्ट करिए, वरना आप हॉब को साइड रखिए. तो अगर इसके बेसिस पे भी अगर आपका कॉस्ट आपके लिए बड़ा फैक्टर है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए रहता है, तो कुकटॉप में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकटॉप में जाइए. उसमें भी अगर आपको ऐसा है कि भाई सस्ता ले रहा हूँ बट गंदा नहीं लेना है, तो स्टील की जगह ग्लास के भी टॉप वाले कुकटॉप्स आज के टाइम में मार्केट में आ गए हैं. स्पेशली हिंडवेयर की बहुत अच्छी सीरीज आई है कुकटॉप की, जो आई लव इट. सो आई शेयर दैट डिटेल्स इन फर्दर वीडियोज एज वेल. तो आपको एक अच्छा कुकटॉप लेने में भी आसानी होगी. तो इस मामले में भी अगर मैं वोट करूंगा तो मैं कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में कुकटॉप को दूंगा 1, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी है, इंडियन मार्केट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है बिल्कुल. एंड हॉब को दूंगा मैं 0, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मेरे को लगता है कि वो लग्जरी किचन्स में ही जाता है, इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी अलॉट, बट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट. तो इसलिए 1 फॉर कुकटॉप, 0 फॉर हॉब. अगेन 5-1 ऑलरेडी हो रखा है, बट एक 6th पॉइंट है जिसमें हॉब बहुत आसानी से जीतता है, जो है एस्थेटिक. हॉब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है लगने के बाद, बहुत सीमलेस लुक देता है. अगर आप अपने किचन को लग्जरी एंड में जा रहे हैं, सारे इनबिल्ट सिस्टम्स लगा रहे हैं, चाहते हो सीमलेस दिखे आपका स्टोव काउंटर टॉप के साथ, तो हॉब विंस लाइक एनीथिंग, बिकॉज इट लुक्स वेरी 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 प्रीमियम इन कंपैरिजन ऑफ कुकटॉप ऑफ कोर्स. सो अगर आप एस्थेटिक आपका पर्पस है, आप चाहते हैं आपका किचन बहुत अच्छा दिखे, आपके यहाँ मेड सर्विस है, आप मेंटेन कर सकते हो, आपको पैसे की ज़्यादा तक फर्क पड़ा नहीं है, आपने एकदम टॉप मॉडल लिया है, तब हॉप में आप बेझिझक जाइए, क्योंकि आपका प्रीमियम लुक आएगा, आई कैन गारंटी दैट. सो हॉप इज, इफ एस्थेटिक इज अ कंसर्न, हॉप इज द बेस्ट टू गो. सो यहाँ पे हॉप इज इक्वल टू 1 एंड कुकटॉप, आई एम सॉरी यू आर गोइंग फॉर 0 हियर. सो हियर वी आर 5-2. सो अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ, मैंने जितना लोगों से बात की है, इतने लोगों के किचन डिज़ाइन किए हैं, मोस्टली लोग चाहते हैं कि वो अपने किचन में हॉब लगाएं क्योंकि वो अच्छा दिखता है. बट मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के लिए बहुत एक्सटेंसिव कुकिंग करते हैं हम लोग. 3 मील बनती है, वो भी बहुत हैवी मील्स बनती है, तड़के वाला खाना बनता है, दूध उफलता है, चाय उफलती है, सब्जी गिरती है, बहुत सारा एक्शन होता है काउंटर टॉप में. इसलिए आपका कुकटॉप मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है इंडियन किचन के लिए. 90% लोग आज के टाइम में हॉब ऑप्ट करना चाहते हैं. इसलिए आज के टाइम में जो कंपनीज हैं, वेरी गुड कंपनीज लाइक हिंडवेयर हो गया, या फिर कैफ हो गया, या फिर सनफ्लेम हो गया, ये सारे बहुत लग्जरी कुकटॉप्स भी बनाने लगे हैं, जो मेंटेनेंस फ्रेंडली है, मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, येट आपको बहुत स्लीक और प्रीमियम लुक मिलता है. उसमें ग्लास फिनिश टॉप मिल रहे हैं, नॉब भी ऊपर मिल रहे हैं, एंड ऑटो इग्निशन भी आ गया, सारी चीज़ें कुकटॉप में भी दे रहे हैं जो पहले बस हॉब में मिलती थी.
तो आप बहुत आसानी से कुकटॉक ऑप्ट कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हॉब लगाने वाले हैं कि आप कुकटॉक लगाने वाले हैं अपने किचन में, जो आप अपग्रेड करने वाले हैं, नया बनाने वाले। प्लस मेरे को कमेंट में और ऐसी चीज़ें बताइए जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, उस सारी चीज़ों के ऊपर हम वीडियोस बना के आपको हेल्प करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।